नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, नगर परिषद कन्हान में एक आंदोलन किया गया, एक मोर्चा निकाली गई, जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, लोकेश बावनकर जिला प्रमुख हैं जो, और उप जिला प्रमुख समीर मेसराम, इनके नेतृत्व में कन्हान तारसा रोड से लेकर नगर परिषद कार्यालय तक जितने भी बाजार वाले थे, सब्जी बेचते हो, भाजीपाला बेचते हो, फल फूल बेचते हो, चने फुटाने बेचते हो, सभी लोग इकट्ठा हुए थे और एकत्रित होकर के नगर परिषद कार्यालय में उन्होंने नारेबाजी की। और उनकी कुछ मांगे हैं, क्योंकि इससे पहले ही लगभग 15-20 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें बाजार वसूली को लेकर के ज़बरदस्ती एक महिला के साथ में ज़्यादा पैसे लेना और अभद्र व्यवहार करना, उनका सामान फेंकना, इस तरीके की कई चीज़ें घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर के ये आंदोलन का एक रूप दिया गया कि भाई जो गरीब लोग हैं उनसे ज़्यादा पैसे ना लिया जाए, ज़बरदस्ती ना किया जाए, जो बाज़ार का दिन है उसी दिन दिया जाए। क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है, बाज़ार के लिए नगर परिषद आज तक जगह उपलब्ध नहीं कराई है। नेशनल हाईवे रोड के बाजू में लोग बैठते हैं और मनमानी बाज़ार वसूली की जाती है नगर परिषद कन्हान द्वारा। दोस्तों, ये टेंडर जिन्हें भी मिला है, अब सूत्र बताते हैं कि यह टेंडर जो नगर परिषद का हो, बाज़ार वसूली का हो या फिर कचरे का हो, ये दोनों टेंडर इनडायरेक्टली डायरेक्ट रिपोर्ट होता है नगर अध्यक्ष को, ऐसे सूत्र से जो जानकारी वो हम आपको बता रहे हैं। अब नगर परिषद में आज तक इन्होंने बाज़ार के लिए जगह उपलब्ध नहीं कराया, ना ही अगर कोई लेडीज़ है, अगर टॉयलेट करना जाना हो, वॉशरूम जाना हो, तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और कहीं वॉशरूम है भी तो उसमें ताले लगे हैं या फिर उसमें पानी नहीं है, बिना पानी के वॉशरूम है। दूसरी बात कि पीने के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, वो काफ़ी पीडित हैं और काफ़ी परेशान भी है। वसुली घ्यायला येतात तेव्हा आमच्याजवळ पैसे 20 रुपये घेतात, पैसे नाही दिले तर दुकानाला तोडफोड करतात, धमक्या देतात मारापिटीचे आम्हाला, आणि आमचं दुकानाचे नुकसान करून घेतात। म्हणून आम्हाला आहे ना, जागा द्या, लेडीजसाठी टॉयलेटसाठी जागा द्या। मी त्या दिवशी असंच म्हटलं की हो, आम्हाला टॉयलेटची सोय नाही, संडास बाथरूमची नाही, जेंट्स कुठे बी जाते, लेडीज कुठे जाणार आहे, आम्ही तिकडं बाजूला जातो तर आम्हाला बाजूवाले गोटे मारतात, दगड फेकून फेकून मारतात, मोठे मोठे दगड फेकून मारतात वरचे लोक। अब सवाल ये उठता है कि नगर परिषद कन्हान की जो नगर अध्यक्ष है करुणा अष्टांकर, लोगों ने इन्हें इसलिए चुनकर दिया गया, सूत्र बताते हैं कि ये गरीब परिवार की हैं और गरीब परिवार की होने की वजह से गरीबों की समस्या को समझेंगी, इसीलिए इन्हें चुनकर दिया गया। लेकिन लोग अपनी समस्या को लेकर के नगर परिषद में बैठे थे, तो उस समय नगराध्यक्ष करुणा अष्टांकर आई, अपने कैबिन में चली गई, और जब CEO वहाँ के जो बोरकर CEO हैं, बोरकर जी आए, तो CEO के आने के बाद वो पीछे से चुपचाप बिना किसी को मिले, किसी को विश्वास में रखे, वो चुपचाप निकल जाती। यानी कि साफ साफ समझ में आता है कि नगरा अध्यक्ष अब अपना रास्ता बदल चुकी है, काम करने के तरीके बदल चुकी है, या शायद गरीबों से अब कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ही कहा जा सकता और ऐसा दिख भी रहा है। जब हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मैं ज़रूरी काम से किसी और मीटिंग में, WCL के GM को लेकर के मीटिंग में जा रहे हैं। लेकिन जो लोग वहाँ उपस्थित थे, जो धूप में बैठे थे, क्या उनका दर्द करुणा अष्टांकर को नहीं दिखा? क्या उनको नहीं पता है कि यहाँ पे जितने लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो चीज़ें हुई हैं, उस पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ये पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन से लोग हैं जो बाज़ार वसूली कर रहे हैं? क्या उनका पुलिस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? क्या इसकी जाँच होने की आवश्यकता है या नहीं है? ये सब पे मौन है करुणा अष्टांकर, जिसको लेकर के ये मोर्चा निकाला गया और इसके बाद तीव्र आंदोलन का भी इशारा किया गया है। नहीं, प्रावधान तो नहीं है, पर किसी गुंडे को तो नहीं भेजना चाहिए। लेकिन ऐसा ही तो हो रहा है, वो तो ऐसा ही रहा है, तो जिसके ऊपर ऑलरेडी ठीक है, बड़े मामले दर्ज है, ऐसे लोग वसूली करते हैं, ठीक है, ये के सामने अगर ऐसे लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, ये मैटर में अपन चौकसी करते और ये तो नहीं होना चाहिए। सर, ठीक है, आज भी वही लड़के वसूली कर रहे हैं जिसके जो पहले इससे पहले जो सब्जी फेंका था, आज भी वही लड़के वसूली कर रहे हैं जिसके ऊपर मामला दर्ज है, तो इसके ऊपर नगर परिषद क्या कर रही है? अभी 2 या 3 दिन में ये मामले के ऊपर एक डिसीजन लिया जाएगा। अध्यक्ष मैडम और सभी जो नगर सेवक गण हैं, इनके साथ मिलके एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और यहाँ की नगर अध्यक्ष मैडम को इन गांव के लोगों ने एक सामान्य घर की लेडीज है करके चुन के दिया था प्रचंड बहुमतों से। अन्य लोग, पैसे वाले लोग खड़े थे, बाहुबली लोग खड़े थे, पर सामान्य घर की महिला हमारे हक के लिए लड़ेंगे, इसलिए उसको चुन के दिया था। और आज वो मैडम नगर परिषद में आधा घंटा बैठ के वापस चली गई, पर अपने लोगों को मिली नहीं। और यहाँ पे इन लोगों की सब्जी फेंकी जा रही है, इनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, रोज गाली गलौज होती है,
और क्रिमिनल लोग यहाँ पे वसूली करने के लिए रखे गए नगर परिषद ने। ये हुकुमशाही है कि लोकशाही है, इसका उत्तर नगर अध्यक्ष मैडम, सीओ साहब और यहाँ के सारे नगर सेवकों ने देना चाहिए। जब विरोधी पक्ष नेता की आपत्ति है तो आपने ये टेंडर क्यों किया? क्या आपके लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए टेंडर दिया है? इसका जवाब मैडम ने देना चाहिए। और मैं युवा सेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की गट की तरफ से युवा सेना का अध्यक्ष के नाते मैं इनके पीछे खंबीरता से खड़े रहूंगा, ताकत से खड़े रहूंगा और हमारे कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता भी ताकत से खड़े रहेंगे। और ये रद्द नहीं हुआ तो फिर से मोर्चा निकलेगा, फिर से आंदोलन होगा और गाँव के लोगों के लिए रास्ते में उतरा जाएगा। जब जब आंदोलन होगा और जो नगर सेवक इसमें सपोर्ट करेगा कि रोज वसूली करो, उस नगर सेवक के घर पर जाके आंदोलन करेंगे, घर पर घुस के आंदोलन करेंगे। आप लोगों ने जो हमको चुन के दिया है, हम आपके प्रश्न पर वहाँ जब ले जाके बैठाते हैं तो हमारी अध्यक्ष महोदय हमको कानूनी किताब बताती है कि मैं जब बोलूँगी तब आपने बात करना, मैं जब बोलूँगी तब आपने खड़े होना, मैं जब बोलूँगी तब आपने बैठना। तो मैं तमाम जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जब हमको चुन के दिया हुआ है तो क्या हमारा बोलने का हक नहीं है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से कनान की जो चिट्ठी की वसूली है वो कोई दुकानदार नहीं देगा। जब तक कनान नगर परिषद हमको सहूलत मुहैया नहीं कराती है तब तक कोई भी नगर परिषद का जहां बैठे हुए हैं आप दुकान के सामने, वहां किसी को चिट्ठी देने की ज़रूरत नहीं। और अगर कोई आपसे गलत बर्ताव करता है तो कनान पुलिस स्टेशन सचेत है आपके लिए, आप वहां जाइए, हमको फ़ोन कीजिए, हम आएंगे आपके लिए। पर अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, क्योंकि अब वो राज नहीं रहा कि जब हम लोग बोलेंगे और चुपचाप बैठ के अन्याय सहेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार की जो वसूली होती है उसमें जो आपका क्राइटेरिया बनता है दुकान का 10-20 रुपए वो दीजिए, लेकिन रोज की वसूली की चिट्ठी मत दीजिएगा।